अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज मुंतहा फ्रॉम न्यूट्रिश डाइट और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली है बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं लोगों की कि आप फूड्स के न्यूट्रिशनल लेबल्स पर वीडियो बनाएं। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम फैट कंटेंट देखेंगे पीनट बटर में, पीनट बटर को किस तरह से कंज्यूम करना हो कि पीनट बटर में कितना ऑयल कितना फैट्स मौजूद है। बहुत से लोग इस चीज़ की कंजप्शन एक्स्ट्रा अमाउंट में कर रहे होते हैं और उन्हें आइडिया नहीं होता है कि उससे उनका कैलोरी इनटेक अनइंटेंशनली भर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीनट बटर के वन सर्विंग में विच इज 32 ग्राम्स कितना फैट मौजूद है, कितनी कैलोरीज मौजूद है एंड एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप रिव्यू जानना चाह रहे हैं न्यूट्रिशन लेबल्स की बेस पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर शेयर करूंगी एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। अभी मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पकड़े हुए हैं, वीटेबल बिस्किट्स, स्नैक्स, सम पैकेज फूड्स लाइक चीटोज एंड एवरीथिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पॉपकॉर्न मेरे माइंड में है जिसके बारे में मैं रिव्यू करूंगी। तो आपके भी माइंड में कोई चीज है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब सब्सक्राइब कर लिया तो फर्दर कंटिन्यू करें, नहीं किया तो कर लें अभी। सबको पता है कि पीनट बटर प्रोटीन हमें देता है, राइट? बट कोई ये नहीं जानता कि इसके अंदर भी ऑयल मौजूद है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑयल डाला जाता है। नहीं डालना चाहिए, जरूरत ही नहीं है उस चीज की। इसलिए बेहतर होता है कि आप घर में होममेड पीनट बटर बनाएं। बट अगर नहीं पॉसिबल तो स्टिल आपको उसकी कंजप्शन बिल्कुल ध्यान से करनी है ताकि आपका कैलोरी इनटेक एक्स्ट्रा ना जाए। तो इसके न्यूट्रिशन लेबल्स पर लिखा हुआ है कि 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर में 53 ग्राम्स ऑफ फैट्स मौजूद है और एक सर्विंग इसकी 32 ग्राम्स है। अब हम 100 ग्राम को डिवाइड करेंगे विद 3 तो आंसर आएगा 33.3 ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 32 ग्राम्स, जो कि इसकी एक सर्विंग है। फिर इसी तरह से 32 ग्राम्स में कितना फैट है ये जानने के लिए हम 53 ग्राम्स ऑफ फैट को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 17.7 ग्राम्स। तो इसका मतलब है कि इसकी एक सर्विंग 32 ग्राम्स में 17.7 grams of oil मौजूद है। This is 17.7 grams of oil जो कि 32 grams of peanut butter में मौजूद है and this is a lot. 1 tablespoon से slightly higher. 1 tablespoon में 3 teaspoon oil होते हैं, तो मतलब ये आपका पूरे दिन में divide होना चाहिए 1 tablespoon. अब normally जो एक person की diet होती है उसमें पूरे दिन में oil को divide किया जाता है teaspoon की form में, लेकिन ये 3 teaspoon इस एक मील में आ गए हैं या स्नैक में ले रह गए हैं। 32 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर कितना होता है ये देख लें, तो दिस इज 32 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी थोड़ी है, इजीली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं एक टाइम पे और उस आप इतना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं इतने पीनट बटर में, ये 2 टेबल स्पून के इक्वल है। 32 ग्राम्स इज इक्वल टू 2 टेबल स्पून। वो टेबल स्पून ये वाला टेबल स्पून है, ये 2 टेबलस्पून होंगे तो ये 32 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर फुलफिल होगा। अगर आप ये वाला टेबलस्पून नहीं यूज करेंगे, ये वाला टेबलस्पून यूज करेंगे तो ये 1 टेबलस्पून में ही आपका 32 ग्राम्स पूरा आ जाएगा। तो अगर किसी को नहीं पता होगा और वो यही टेबलस्पून यूज कर रहे होंगे और इसको 2 दफा यूज कर लेंगे गलती से, तो डेफिनेटली आप सोचे वो 32 प्लस 32 ग्राम्स पीनट बटर ले रहे हैं, तो वो इसको डबल अप कर लें तो उतना ऑयल एक टाइम पे ले रहे होंगे। तो डेफिनेटली कहाँ से आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, आप तो कैलोरी इनटेक अनइंटेंशनली इंक्रीज कर रहे हैं और आपका वेट गेन होगा, तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। तो अगर आपने पीनट बटर का इस्तेमाल करना है तो आपने ये वाले टेबल स्पून को कभी भी रेफरेंस के तौर पर नहीं लेना। या तो आप पीनट बटर को मेजर करेंगे विद दिस वेइंग स्केल, अदरवाइज आप ये टेबल स्पून रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हम इसके अंदर इसको शिफ्ट करते हैं, हमारा 1 टेबल स्पून कितना होगा उसको हम लेवल करेंगे। लेवल करना है हमने उसको, ऊपर ज्यादा नहीं लेके जाना, जितना हमारा इजीली लेवल हो रहा है हम उतना लेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं। दिस इज योर 1 टेबल स्पून, इसी टेबल स्पून को 2 दफा लेंगे तो वो 32 ग्राम्स आता है जिसमें ये सारा ऑयल मौजूद है। तो अगर आपने पीनट बटर को अपनी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करना है तो इसको 32 ग्राम्स यानी कि 2 टेबलस्पून कभी इस्तेमाल नहीं करने, बिकॉज
दिस मच फैट इज अ लॉट. आपने इस तरह से इसको कंज्यूम नहीं करना. अगर आपने इसको लेना है तो आपने जस्ट 1 टेबल स्पून लेना है. टेबल स्पून को या वेइंग स्केल को रेफरेंस के तौर पे लाजमी इस्तेमाल करना है. इस तरह से 1 टेबल स्पून अगर आप पीनट बटर एक टाइम पे लेंगे, दिन में एक दफा लेंगे, तो आप इसको हाफ कर लें तो उतना ऑयल कंजप्शन आपका जा रहा होगा, विच इज रीजनेबल. आप अपने पूरे दिन के कैलोरीज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. बट अगर आपने डाइट प्लान नहीं बनवाया हुआ है और आपको नहीं पता कि आपको कितना फैट चाहिए पूरे दिन में, और आप कहीं और से भी बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं, फिर यहाँ से भी आपको ये वाला फैट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा. तो बेहतर यह है कि आप कस्टमाइज प्लान बनवा लें और अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करवाएं, उसमें फैट के कंटेंट को एडजस्ट करवाएं, इसमें मौजूद जो ऑयल है उसको भी एडजस्ट करवा दें, ताकि आपकी बॉडी स्टिल कैलोरी डेफिसिट में हो और आप पीनट बटर को इंजॉय भी करें. और अंदाजा इन चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना आप खुद देख सकते हैं कि आपका वेट कहाँ जा सकता है. अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे जार में कितना ऑयल मौजूद है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर उस पर भी वीडियो बना दूंगी. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको लगता था कि पीनट बटर में इतना ऑयल मौजूद हो सकता है, आपको इस चीज का अंदाजा था क्या? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.